ल तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ पेड बैच के लिए भी और यूट्यूब क्लासेस के लिए भी टू गिव यू एन आइडिया की जो हमारा पेड आंसर राइटिंग बैच है उसमें चीजें कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं आंसर राइटिंग बैच तो इस आंसर राइटिंग बैच में करेंटली हम हमारा डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फोर तो आ, मैंने सोचा कि जैसे हम चैप्टर नंबर फोर डिस्कस कर रहे हैं अभी आपका ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का जो मेंस का क्वेश्चन पेपर आया था हम उसमें से भी क्वेश्चंस लेंगे डिस्कस करने के लिए ताकि आपको आंसर की स्ट्रक्चरिंग का आइडिया हो जाए ठीक है एंड आप होमवर्क uh, करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे यू विल सेंड मी द क्वेश्चन और मैं आपको इवेलुएट करके वो वापस भेज दूंगी ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली जम्प इन द क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये हमने एक तो आंसर राइटिंग बैच में भी ये दोनों थिंकर्स पढ़ लिए हैं दैट इज वाई आई चोज दिस क्वेश्चन टुडे प्लस यूट्यूब भी यूट्यूब क्लासेस में भी मैंने आपको डिटेल में ये वाला टॉपिक करवाया हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है डिस्कस मेन आइडिया ऑफ Weber's Protestant Ethics and Spirit of ca Capitalism as a Critique of काल ठीक है है तो तो अभी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस को हम आज डिस्कस करेंगे तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको बोलना है कि जो वेबर का एक वेबर ने हमें प्रोटेस्ट ने एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था आपको इसका मेन आइडिया बोलना है हाउ दैट इज अ क्रिटिक ऑफ कार्ल मार्क्स तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो कि वेबर का आइडिया है वो बोलना है वो कार्ल मार्क्स का क्रिटिक कैसे है इस बारे में आपको अपना कंटेंट फॉर्म करना है अब देखो वट आई वॉन्ट टू रिमेंबर वट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर हियर इज कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे आपको दो आइडियोलॉजीज दी होंगी टू आइडियोलॉजीज एंड आपको लिखना होगा जो एक आइडियोलॉजी है वो दूसरे आइडियोलॉजी का क्रिटिक कैसे है ठीक है तो आप क्या करोगे आप क्विकली ब्रेन करोगे एंड उन दो जो भी दो आइडियोलॉजीज या दो थिंकर्स उनके दो थियोरी जो भी नाम है उसके बीच में यू विल ट्राई टू एस्टेब्लिश रिलेशन ठीक है ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाओ प्रोटेस्ट एथिक्स को रिपीट करो सारा फिर कॉल मार्क्स की आइडियोलॉजी को रिपीट रिपीट करो आपको अपने आंसर में ये रिफ्लेक्ट करवाना है कि आपको पता है ये दो चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं देखो कॉमन सेंस की बात है अगर आपको वेबर पूछा हुआ है वेबर का कोई आइडिया और आपको बोलना है ये चीज़ कैसे क्रिटिक है मार्क्स के That means, इनके बीच में कोई ऑपोजिंग रिलेशन होगा वेबर ने एक बात बोली या मार्क्स ने एक बात बोली होगी वेबर ने उसको काउंटर किया होगा ठीक है तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उनके बीच में जो भी ऑपोजिंग या सेम जो भी कंटेंट होगा क्वेश्चन का एक रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश करने की पहले आप कोशिश करोगे ठीक है उससे आप क्या करोगे पहले यू विल ब्रेन आपको क्या याद करवाना है खुद को कि जो वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या था देन यू विल थिंक कि वो काल मार्क्स से कैसे रिलेटेड है ठीक है तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी एंड देखो तरीका क्या होता है बेसिकली क्वेश्चन का तरीका ये होता है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो हमने वेबर पढ़ा हमने मार्क्स पढ़ा उसके बाद पेन और पेपर लेके बैठो एंड खुद ही सोचो कि इन दो थिंकर्स में से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उस उस डायमेंशन में अपने नोट्स जो है वो एनरिच करो साथ में जस्ट ट्रस्ट में अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे ना तो कोई नहीं आपको रोकेगा आपके मार्क्स बढ़ने से फाइन अगर आप घर से ही ये प्रैक्टिस करके जाओगे हर टॉपिक जो पढ़ोगे उसके बाद करो एंड सोचो इस टॉपिक से मुझे किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड वही घुमा फिरा के उसी में उन्नीस बीस चेंजेस ला के आपका जो फाइनल क्वेश्चन पेपर है वो सेट हुआ होगा खासकर आपके ऑप्शनल में क्योंकि ऑप्शनल आपका ऐसा है जिसमें रेपिटेशन होगी ही होगी ठीक है करंट अफेयर्स की चीजें कम है पेपर ए में तो पेपर ए स्टैटिक है मोस्टली तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन पेपर में रिपीट होंगी इसीलिए आप क्या करोगे मेक मोस्ट आउट ऑफ़ इट जो भी आप पढ़ रहे हो घर से ही प्रैक्टिस करो कि हर टॉपिक में किस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में जाते हैं कैपिटलिज्म के कैपिटलिज्म क्या होता है मैं आपके सामने दो डेफिनेशंस लिखूंगी एंड आप खुद बोलोगे मुझे कि कैपिटलिज्म क्या होगा Modern capitalism is characterized by the drive to make as much money as you can or to increase profits in a Calculated, Controlled, Goal, Rational Way. Theke? तो कैपिटलिज्म इन दोनों में से क्या है कि कैपिटलिज्म का सिर्फ ये मतलब होता है कि अपना मनी जो है वो इंक्रीज करना प्रॉफिट्स इंक्रीज करना एज मच एज यू कैन और कैपिटलिज्म आपको बताता है कि प्रॉफिट्स हैव टू बी इन अ कैलकुलेटेड कंट्रोल्ड एंड गोल रैशनल वे तो आपका कैपिटलिज्म जो है इट्स ऑब्वियस आंसर ये है कैपिटलिज्म की डेफिनेशन ये होता है कैपिटलिज्म ना कि सिर्फ माइंडलेसली आप मनी इंक्रीज करोगे ठीक है जो मॉडर्न ऑन्टरप्रिन होते हैं दे वॉन्ट टू क्रिएट एक फ्लो ऑफ प्रॉफिट ठीक है एंड वो कैसे करते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग देयर एंटरप्राइज बाय ऑर्गेनाइजिंग देयर एंटरप्राइज इन अ कंप्लीटली रैशनल वे ठीक है तो क्या चाहते हैं जो मॉडर्न ऑन्टरप्रिन होते हैं कि वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करें प्रॉफिट को इंक्रीज करें कैसे इंक्रीज करें अपने जो भी उनका एंटरप्राइज है कंपनी है इंडस्ट्री है स्टार्टअप है उसको एक कंप्लीटली रैशनल वे में ऑर्गेनाइज करके ये होता है कैपिटलिज्म और ये होता है जो ऑन्टरप्रनर्स है उनका मकसद प्रॉफिट्स कोई बेसिकली एंजॉय नहीं करते ऐसा नहीं है आज इनका जो टर्न है एक साल का वो फॉर एग्जाम्पल वन करोड़ आया तो वन करोड़ खुद पे लाविशली स्पेंड करेंगे और आगे के साल के लिए कुछ नहीं रखेंगे ये कैपिटलिज्म नहीं होता है कैपिटलिज्म होता है प्रॉफिट आया वो जो प्रोफिट है दैट विल गो ऑब्वियसली कुछ अपने लिए भी रखेंगे बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है उसको वो वापस अपने एंटरप्राइज में डालेंगे दैट विल गो बैक इनटू एंटरप्राइज एज अ इन्वेस्टमेंट आप बोलो ठीक है कैपिटल तो so, उस प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट करके अपने ब्रो अपने जो बिजनेस है उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे ये है आपका कैपिटलिज्म ठीक है हो गया एक वन पार्ट अभी हम जो क्वेश्चन है वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स दैट अभी मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग नहीं बताई है और ना ही हमने अभी तक पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है आई जस्ट वॉन्ट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कैपिटलिज्म क्या होता है इट इज़ नॉट माइंडलेसली इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट ये एक तरीका होता है कि यू हैव टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स बट दैट हैज़ टू बी डन इन अ कैलकुलेटेड कंट्रोल गोल रैशनल वे एंड द प्रॉफिट्स दैट यू आर मेकिंग यू कैन नॉट एन्जॉय दोज प्रॉफिट्स लाइक इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ वन करोर अ ईयर यू कैन नॉट जस्ट लाविशली स्पेंड दैट वन करोर एंड कीप नथिंग फॉर फ्यूचर ठीक है वो जो

उसने हर किसी की किस्मत जो है ऑलरेडी डिटर्मिन बनाई हुई है एंड इट इज ऑलरेडी डिटर्म दैट हु 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 आर द द वंस दोस विल बी 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 सेव्ड फ्रॉम डैमनेशन वोंट वोंट हुई ठीक है वो कौन से लोग हैं जो चोजन वंस हैं गॉड के फेवरेट्स हैं और वो जो यहाँ की लाइफ भी अच्छी जिएंगे आफ्टर लाइफ भी जिनकी अच्छी होगी ठीक है वो आपको बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन वो कौन से लोग हैं दैट इज ऑलरेडी डिटर्मेंड गॉड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वो चोजन वंस कौन से हैं ठीक है गॉड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हु आर द चोजन वंस ठीक है अब देखो वो चोजन वंस कौन से हैं वो गॉड ने ऑलरेडी चूज किया है लेकिन वो हमें नहीं पता तो व्हाट पीपल डिड दे वांटेड टू मतलब एवरीबॉडी वाज

Ones. एक तो खुद भी उनका इगो कि हम जो है ये वाली लाइफ भी अच्छी होगी क्योंकि वो लोगों के बीच में भी ये चीज बार बार प्रूव करते जाएंगे टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ योर रिलिजन तो लोग क्या करते थे ये बताने के लिए दे आर दोजन दे वर ट्राइंग टू फॉलो वट एवर रिलीजन जो उनको डिक्टेट करता था और वहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि और अब ये बात होगी कि रिलीजन वो क्यों चाहते थे दिखाना रिलीजन uh, फॉलो करना क्यों चाहते थे of of क्या उनको बोलता था रिलीजन उनको बोलता है कि डोन्ट स्पेंड लाविशली लाविशली स्पेंड मत करो ठीक है रिलीजन उनको बोलता है टाइम इज मनी टाइम इज मनी हाँ रिलीजन बोलता है उनको वर्क हार्ड कंज्यूम लेस ठीक है तो अब वेबर ने क्या किया यही जो भी रिलीजन चीजें बोलता है उसका आइडियल टाइप को कंपेयर किया विद आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म एंड इन दोनों के बीच में एक लिंक स्टेब्लिश की ठीक है अब लोग भी क्या करते थे वो यही सारी चीजें फॉलो करने की कोशिश करते थे एंड वो चीजें जो है ये कम्पलीटली फिट बैठती थी किसके फिट बैठती थी आपके कैपिटलिज्म के यही एक रीजन था कि कैपिटलिज्म ने इतना जो है वो ग्रो किया ये वेबर का बोलना था ठीक है तो वेबर ने क्या कहा ये जो ऑन्ट्रप्रनर्स थे वर ड्रिवन बाई द रिलीजियस मेटाफिजिकल फेयर्स एंड होप्स फाइन वो इस चीज से ड्रिवन नहीं थे कि हम बस पैसे कमाए क्योंकि इसमें रिलीजन इन्वॉल्वमेंट है तो दे वर ड्रिवन बाई द रिलीजियस मेटाफिजिकल फेयर्स एंड होप्स रिलीजन के होप्स एंड फेयर्स तो वो चाहते थे टू स्टे एज क्लोज टू द रिलीजन एज पॉसिबल ऑफ डॉक्टर की वजह से फाइन अब यहाँ पे आओ अब आप समझ गए हम क्विकली श्री कॉल हमने क्या पढ़ा कैपिटलिज्म हमने बोला कि कैपिटलिज्म जो है इट मीन्स टू इंक्रीज इनक्रीज प्रॉफिट इन ए कैलकुलेटेड कंट्रोल गोल रैशनल वे ठीक है एंड जो ऑन्ट्रप्रीनर्स हैं वो एक कैसे करते हैं प्रॉफिट्स को इंक्रीज बाय ऑर्गेनाइजिंग अपना जो भी एंटरप्राइज है उसको एक रैशनल कम्प्लीटली रैशनल वे में ठीक है और रिलीजन की एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो फिर वेबर ने यूज की अपने पीई में दैट इज योर प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाले ऐसे में डॉक्ट्री नीडेस्टिनेशन की बात कि जो लोग हैं जो चोजन वंस हैं गॉड ऑलरेडी नोज कि वो चोजन वंस कौन से हैं लेकिन लोगों के अंदर डर था कि कहीं हम उन लोगों में से मतलब आउट ना हो जाएं और हम लोग जो है वो चोजन वंस रहे देर वॉज नो वे टू नो हु आर द हु ठीक है तो लोग क्या करते थे बाद में दे स्टार्टेड टू अड टू द प्रिपल्स ऑफ द रिलीजन ताकि दे विल स्टे एज क्लोज टू तो द रिलीजन एज पॉसिबल और वो चोजन वंस जो है हमेशा बता सकें खुद को भी और बाकियों को भी कि वी आर दोज चोजन वंस यही वजह हुई कि जो रिलीजन ने चीज़ें बताई लोगों ने वो चीजें फॉलो की एंड उस चीज से हमारा जो कैपिटलिज्म है वो अच्छे से ग्रो किया ये था आपका प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है अब कार्ल मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स अब मैंने आपको बोला इनके बीच में लिंक स्टैब्लिश करने की आपको कोशिश करनी है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैसे जो मेन आइडिया ऑफ पीई आपका प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पी एंड शॉर्ट में बोलते हैं हाउ इट वॉज अ क्रिटिक ऑफ डिस्क्राइब दैट इट वॉज अ क्रिटिक ऑफ योर कार्ल मार्क्स मैंने आपको कहा दो आइडियोलॉजीज आपको बतानी है एक दूसरे के क्रिटिक कैसे हैं तो दो आइडियोलॉजीज के बीच में यू हैव टू स्टैब्लिश सम कनेक्शन एंड सम लिंक तो हमें पता है काल मार्क्स की आइडियोलॉजी काल मार्क्स ने क्या कहा था उनको हम इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट भी बोलते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट डिटर्मिनिज्म की थ्योरी उनकी थ्योरी से हम रिलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो किससे रिलेट की इकोनॉमी से इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट अभी हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन का कंटेंट अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला इकोनॉमिक सेक्टर जिसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं वो डिटरमिन करता है कि आपका रिलीजियस सेक्टर कैसा होगा दैट मीन्स आपका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बोलता है आपका सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी थिंकर्स वाले चैप्टर नंबर फोर यूट्यूब पे ठीक है तो इकोनॉमी बताएगी आपका रिलीजन कैसा होगा फॉर एग्जाम्पल जो काफी अमीर लोग हैं उनका जो रिलीजन uh, रिलिजन फॉलो करने का तरीका है वो अलग होता है एंड जो वो चाहते हैं वैसा ही उनका रिलीजन भी बनता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टेम्पल पे जाना है अंबानी उसको जाना है ठीक है अगर नॉर्मल लोगों को जाना होगा उनको लाइनों में खड़ा रहना होता है अगर अंबानी को जाना है वो अपने चौपर में जाएगा और दर्शन करके आएगा दैट मीन्स रिलीजन भी किसके आगे पीछे घूमता है आपकी इकोनमी के ही आगे पीछे घूमता है एंड कार्ल मार्क्स ने काफी एक इंपॉर्टेंट uh, बात कही थी रिलीजन को ओपीएम ऑफ मासेस कहा था ठीक है ये क्या होता है ओपीएम ऑफ मासेस एक काइंड का नशा की आपको रिलीजन जो है जस्टिफाई करते हैं आपकी सफरिंग सफरिंग्स को ये बोल के कि आफ्टर लाइफ आपकी अच्छी होगी इस जन्म में आप दुख सह लो नेक्स्ट जन्म में आप सुखी रहोगे या जो भी हेयर आफ्टर है उसमें आप सुखी रहोगे तो आपकी करंट सिचुएशन से आपको बेटर बनाने करंट सिचुएशन आपको बेटर बनाने नहीं देता है ठीक है आपको आपके जो करंट हालात हैं उसी में ही रहने की सजेशन देता है रिलीजन दैट इज ओपीएम ऑफ मासेस तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा इकोनॉमी जो है उससे आपका रिलीजन पता चलता है अब ये जो कॉन्सेप्ट है वेबर का ये क्रिटिक हुआ कार्ल मार्क्स का कैसे क्रिटिक हुआ वेबर ने क्या कहा अगर आप ऐसे एरो भी ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम फिर वेबर का आप उल्टा ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से रिलीजन खासकर कैल्विनिज्म, ये कहा ये जो रिलीजन है इट प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड मेंटालिटी दैट वाज़ necessary condition for the capitalism to develop ठीक है ये आप लिख सकते हो तो ये अगर आप डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे और ये दो इसमें आप एरो दिखाओगे उल्टे तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपको कोर ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गया है ऑल दो हम ये भी बोलते हैं कि जो वेबर है इट वॉज ही वाज मोर कॉम्प्रिहसिव अप्रोच थी उनकी देन काल मार्क्स ऐसा नहीं है कम्पलीटली उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया कालमार्क्स के आइडिया को उन्होंने कहा सिर्फ इकॉनमी ही नहीं है आपका कल्चर भी होता है आइडियाज़ होते हैं रेलिजन होता है सारी चीज़ें आपकी इकॉनमी से रिलेटेड होते हैं ठीक है थीके? सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकॉनमी ही सारी चीज़ों में रोल प्ले करती है कल्चर uh, आपके आइडियाज रेलिजन ये भी सोसाइटी में काफ़ी रोल प्ले करते हैं ठीक है थीके? तो ये यहाँ पे ये समझ गए आप ये मेन चीज जो मुझे आपको बतानी थी कि दोनों के बीच में रिलेशन है क्योंकि उन्होंने क्या कहा था इकोनमी से ही रिलीजन और वेबर ने इसका क्रिटिक प्रेजेंट किया कि रिलीजन जो है वो ऐसी कियाटेलिटी प्रोड्यूस करता है दैट वाज प्रोड्यूस की रिलीजन ने Calvinism ने खासकर दैट वाज नेसेसरी कंडीशन फॉर द कैपिटलिज्म टू डेवलप अब वो सारी चीजें क्या है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली ठीक है तो ये हुआ आपका क्वेश्चन uh, का कंटेंट जो मैं आपको समझा रही थी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वही है बेसिकली कंटेंट वही है जो अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बताई बस अब मैं आपको उसकी स्ट्रक्चरिंग बताऊंगी कैसे करनी है तो हमारा क्वेश्चन क्या था हमें डिस्कस करना था सेंट्रल आइडिया ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्रिटिक ऑफ मार्क्स ठीक है

उसके बाद हम क्या करेंगे पॉइंटर uh, फॉर्मेट में अपना आंसर कंटिन्यू करेंगे और जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे अभी उन्हीं पॉइंट्स से आप अपना आंसर बनाओगे जैसे आप दो लाइंस ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से आप कॉल मार्क्स लिख लोगे और यहाँ से आप वेबर लिखो लिख लोगे ब्रैकेट में क्रिटिक ऑफ कॉल मार्क्स वेबर्स

एंड रिलीजन ही नहीं इनफैक्ट कल्चरल सिस्टम एंड आइडियोलॉजी सारे जो ये फैक्टर्स हैं ये रोल प्ले करते हैं ठीक है सेकेंड लिख लो गलमार्क्स ने क्या कहा कैपिटलिज्म जो है ये कैसे अराइज करता है कैपिटलिज्म हमने जब कालमार्क्स का पढ़ा था तो हम देखा था कि इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है चेंज इन मटीरियल कंडीशन चेंज इन मटीरियल कंडीशन की वजह से तो उन्होंने हमें क्या दिया हिस्टोरिक मटी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्मी थेरी दी थी काल मार्क्स ने जैसे जैसे हर सोसाइटी में जो मटीरियल कंडीशन है वो चेंज होती गई फाइनली हम एक सोसाइटी uh, में आए एक मोड ऑफ एवोल्यूशन में जिसमें हमारे पास हैव्स एंड हैव नॉट्स थे ठीक है तो बेसिकली वहां पे क्या था फोर्स ऑफ प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन वही सब चेंज हो रहा था वही बातें जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी एंड यूट्यूब में भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है ये लिख लोगे यहाँ से आप लिख सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वेबर है उन्होंने क्या कहा था उन्होंने आइडिया दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ़ प्रीडेस्टिनेशन आइडिया नहीं दिया था उन्होंने ये आइडिया यहाँ से लिया था प्रीडेस्टिनेशन कि ये जो डॉक्ट्रिन है प्रीडेस्टिनेशन का इससे क्या हुआ इट लेड टू रैशनल डिसिप्लिन अप्रोच टू वर्क विच वाज़ क्रूशल फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म या मॉडर्न कैपिटलिज्म लिख लो ठीक है तो आप क्या कर रहे हो एक्जैक्टली exactly जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसी फॉर्म में इसको आंसर कर रहे हो फिर मार्क्स की आइडियोलॉजी यहाँ से लिख रहे हो फिर यहाँ और यहाँ से आप लिख रहे हो कि वेबर का जो प्रोटेस्टिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म था वो कैसे एज ए क्रिटिक था टू द मार्क्स आइडियोलॉजी एक्जैक्टली हमें क्वेश्चन में यही पूछा है थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि मार्क्स ने क्या कहा जो कैपिटलिज्म है उसमें एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड वो कॉन्फ्लिक्ट बीच में है हैव्स हैव्स एंड के बीच में, के बीच में. वो किस वजह से है क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन जो है बहुत ज्यादा है इसमें कि जो है इसका क्रिटिक वेबर um, ने प्रेजेंट किया अपने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में और कहा कैपिटलिज्म जो है उसमें एक मॉरल एंड एथिकल फाउंडेशन भी है कैपिटलिज्म आल्सो हैज एंड एथिकल फाउंडेशन रूटेड इन रिलिजन ठीक है एंड जो राइज ऑफ कैपिटलिज्म कैपिटलिजरली ड्रिवन बाय प्रॉफिट एंड एक्सप्लोइटेशन ठीक है तो जो मार्क्स का आइडिया है जो इन्होंने प्रोटेस्ट एथिक्स एंड ऑफ कैपिटलिज्म में ये बातें बताई सॉरी वेबर का जो है वो कम्पलीटली एज ए क्रिटिक ऑफ मार्क्स बोल सकते हो क्योंकि मार्क्स ने हमें क्या कहा था कैपिटलिज्म सारा किस पे बेस्ड है क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन एक्सट्रीम लेवल की होगी इसीलिए फाइनली क्या होगा हैव्स एंड हैव का एक क्या होगा प्रॉलिटेरियन रेवोल्यूशन आएगा एंड विल लीड टू दी ओवर थ्रो ऑफ कैपिटलिज्म लेकिन वेबर ने क्या कहा कहा कि उनमें फॉरेन एंड एथिकल फाउंडेशन है कार्ल मार्क्स इसमें कैपिटलिज्म में कैपिटलिज्म की जो मॉरल एंड एथिकल फाउंडेशन है इज रूटेड आप आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कैपिटलिज्म क्या होता है इट इज नॉट मेयरली कि आप माइंडलेस जो है सिर्फ मनी या प्रॉफिट डराइव करते रहो इट मीन्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट लेकिन एक कैलकुलेटेड कंट्रोल्ड और गोल रैशनल वे में ठीक है तो ये जो कंटेंट है ये आपने पढ़ा होगा आई एम sure सारी चीजें आपको पता होंगी तो मेरे इस का क्या फायदा है कि मैं अलाइन करवाऊं प्रॉपर उसको एक आंसर फॉर्मेट में जो सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन uh, में ऑलरेडी कही कहीं ना कहीं स्टोर्ड है तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो सकता है वेबर ने कहा था जो कैपिटलिज्म है ये क्या करता है ये कमोडिफाई करता है लेबर को ठीक है कमोडिटी वाला कॉन्सेप्ट जो हमने मार्क्स का पढ़ा है एंड ये क्या करता है ये करता है वर्कर को एंड एलिनेट वर्कर्स फ्रॉम दी फ्रूट ऑफ लेबर लेकिन प्रोटेक्शन एथिक्स एंड ऑफ कैपिटलिज्म में हमें वेबर ने कहा कि जो कैपिटलिज्म है ये एक प्रोसेस है ऑफ रैशनलाइजेशन जैसे जिससे जो इकोनॉमिक लाइफ है इकोनॉमिक लाइफ हैज बिकम एफिशिएंट सिस्टमैटिक कैलकुलेटेड ठीक है तो एक्जैक्टली exactly आपको यही क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्रॉप आंसर कर रहे हो एंड ये जो तरीका है ना कि आप मार्जिन ड्रॉ करके जो आपके आंसर्स को तोड़ के बिल्कुल आप एग्जैक्टली exactly उसी लैंग्वेज में लिखो जिस लैंग्वेज में आपको पूछा है तो उससे क्या होता है एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपको आपके पास कंटेंट भी है एंड आपके पास स्ट्रक्चरिंग वाला टैलेंट भी है और यही दो चीजें हैं आपके आंसर्स में देखी जाती है इवेल्युएट करते टाइम ठीक है फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं मार्क्स ने हमें कॉन्सेप्ट दिया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कि हिस्ट्री में जितनी भी क्लासेस आई उनके बीच में एक स्ट्रगल था ठीक है, वो स्ट्रगल किस पे बेस्ड था आपके मटेरियल पे जिस सोसाइटी का जो मटेरियल था जैसे लैंड था तो लैंड के अराउंड स्ट्रगल था फिर इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्रीज के अराउंड स्ट्रगल था अकॉर्डिंगली हमारे पास हैव्स एंड नॉट्स वाली क्लास थी ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली है वेबर ने ये ऑल दो ये आइडिया कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया कि जो मटेरियल वेल्थ है इसका कोई रोल नहीं है किसी भी तरीके से सोसाइटी में पर उन्होंने कहा इसके साथ आपका जो कल्चर है एंड जो रिलीजन है आइडियाज़ हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट थे शेप करने में हिस्ट्री ठीक है आइडियाज थे वो इक्वली इम्पॉर्टेंट थे हिस्ट्री को शेप करने में एंड आप कंक्लूजन में इसको क्या लिख सकते हो कंक्लूजन में लिख सकते हो कि वेबर जो है उसको आप कंप्लीटली एज अ क्रिटिक ऑफ मार्क्स प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ही डिड नॉट आउट राइटली रिजेक्टेड जो भी मार्क्स की आइडियोलॉजी थी ही डिड नॉट आउट राइटली रिजेक्टेड दैट उन्होंने ये तो नहीं कहा कि माल कि कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल हमसे गलत ये हमें थ्योरी प्रेजेंट की हुई है लेकिन ही डिड नॉट बिलीव इन जो वेबर है ही डिड नॉट बिलीव इन डिड नॉट

तो आप ये लिख सकते हो कंक्लूजन में ये वाला जो आइडियाज इंस्टीट्यूशन है वो पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड कंक्लूजन में लिख सकते हो आउटलाइट आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया कार्ल मार्क्स को उन्होंने उसकी थियोरी को और कॉम्प्रिहेंसिवली जो है उसमें डायमेंशन एड किए और का सिर्फ एक यूरिलीनियर व्यू नहीं होता है सोसाइटी में बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है जैसा कि उन्हें अपने प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से फिर प्रूव किया कि जो रिलीजन है वो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन बना सकता है जिससे आपका कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट हो ठीक है तो ये आप करके ऐसे अपना आंसर प्रेजेंट करोगे एंड मुझे होमवर्क करके आप ये आंसर जो है वो लिख के भेजोगे होमवर्क रहेगा आपके लिए मुझे पीडीएफ आप व्हाट्सएप कर सकते हो सेवन डबल जीरो डबल सिक्स डबल सेवन डबल टू फाइव पे या आप आंसर को मुझे पीडीएफ मेल कर सकते हो करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम अगर अभी तक आपने मेरा आंसर राइटिंग का कोर्स पूरा परचेज नहीं किया है तो डोंट वेस्ट योर टाइम आप आंसर राइटिंग कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं उसके लिए आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी होगी करंट क्रंच की एंड करंटली हम फोर्थ चैप्टर जो है वो चल रहा है एंड आगे जो है आपको पेड लेक्चर में सारा जो पेपर है हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में आया था वो सारे क्वेश्चन वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो बाय टेक केयर अ ग्रेट डे